भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आप लोगों को आज चेम के साइड पर बीओक्यू कैसे बनाते हैं एज ए बायर, वो मैं आज आप लोगों को बताऊं। यदि जेम का बीड कैसे फिल करते हैं उसके बारे में आपको जानना है तो उसके वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। बायर का के आईडी से हम ऐसे जो बीओक्यू के टेंडर है उसको बनाते कैसे, उसको पब्लिश कैसे करते हैं, उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊं। तो जब भी आपको जेम में बीओक्यू का, पहला तो ये समझना है अपने को बीओक्यू टेंडर होता क्या है। कोई भी प्रोडक्ट को, जब कोई भी प्रोडक्ट आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और उसको आप जेम पे बेस सेल करना चाहते हो, मतलब एज ए बायर आप उसके ऑर्डर देना चाहते हो बीड के थ्रू से। पर जब आप बीड बनाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है, बंच बीड बनाएंगे तो अलग अलग कैटेगरी नहीं ले सकते, एक कैटेगरी का ही आपको प्रोडक्ट लेना पड़ता है। यहाँ पे बीओक्यू में ऐसा नहीं, आप मल्टीपल अलग अलग प्रोडक्ट के कैटेगरी से भी प्रोडक्ट ले सकते हो। साथ में जेम पे जो प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो जेम पे नहीं है, आप वैसे प्रोडक्ट के भी बीड्स यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्लेरिफाई होता है, तो ऐसे टेंडर्स को आप बीओक्यू टेंडर भी बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन भी है अपने पास कस्टम बीड का, कस्टम बीड के थ्रू से भी आप ऐसे टेंडर बना सकते हो। पर कस्टम बीड में प्रॉब्लम क्या है कि आप जितने भी यहाँ पे, यदि आप बंच बीड निकालोगे तो आपको हर एक बायर को हर एक प्रोडक्ट का अलग से कैटलॉग पब्लिश करना पड़ता है। यहाँ पे कोई कैटलॉग पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप सिंगल आप लाइन आइटम आता है आप उसमें डाल देंगे तो आपका बीओक्यू का बीड बन जाएगा। ये एक बहुत इजी प्रोसेस है, जैसे कि ई प्रोक्योरमेंट में होता था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है, कुछ यहाँ पे अलग से डिफरेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बीओक्यू का बीड कैसे बनाएंगे, देखते हैं। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी में जाना है और यहाँ पे बीओक्यू बेस्ड बीडिंग आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आ गया, चूज कंसाइनी, ऐड करना है कहाँ पे, क्या ऑर्डर, एक क्वांटिटी आप डाल दीजिए, कौन से लोकेशन का है वो लोकेशन आप चूज कर सकते हो, सबमिट, नेक्स्ट। कोई कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी कैटेगरी के ले देता हूँ, मुझे मास्क का देना है, किस तरीके का मास्क, हैंडक्राफ्टेड मास्क, और भी कुछ कैटेगरी ऐड करना है मुझे, साथ में वायर का भी देना है। और भी देना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी चूज कर सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आप जो भी प्रोडक्ट का बीड बनाएंगे उसके स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगे, जैसे मार्क्स कैसा चाहिए आपको, उसकी थिकनेस कितनी होगी वगैरह, जो भी आपको डिटेल्स है पूरा स्पेसिफिकेशन का फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का फाइल अपलोड कर देता हूँ और ऐड आइटम। ये आपका बीओक्यू बीड बनने को तैयार हो गया। यहाँ पे हम लोग प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है बीड, बीड पे क्लिक कर दीजिए, कंफर्म। यहाँ पे बीओक्यू आ गया, आपको उसके फॉर्मेट डाउनलोड करने को मिल जाएगा, यही फॉर्मेट में आपको बीओक्यू अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लिया है, एनेबल एडिटिंग कर देता हूँ। आइटम नंबर 1 क्या है आपका, पहला मास्क है, डिस्क्रिप्शन मास्क, क्वांटिटी कितना चाहिए 300 क्वांटिटी, नंबर्स, कंसाइनी आईडी क्या रहेगा, तो जो आपका आईडी रहेगा वो हो जाएगा, मेरा है जिप कोड, आपको ये जिप कोड आपको ढूंढना है, जो आईडी से पब्लिश करेंगे वही जिप कोड आपको लगेगा। तो आपको कैसे मिलेगा, यहां से कोई भी चीज को सर्च कर देता हूं,
यहाँ पे आप सिलेक्ट कंसाइन करेंगे, यहाँ पे मैं किसके आईडी से हूँ, ये आईडी से लॉगिन हूँ, इसका जिप कोड क्या है 209625। डिलीवरी पीरियड सेम, आपका दूसरा नंबर क्या चाहिए आपको, और भी आपको डालना है तो और डाल सकते हैं, मुझे कंप्यूटर चाहिए, नंबर्स और भी आपको आईडी चाहिए तो और मल्टीपल आप डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद इसको सेव कर दीजिए, ये आपका फाइल का नाम है 1 2। क्लोज करते हैं, मेरा ये विंडो पे आते हैं हम लोग, यहाँ से फाइल को अपलोड कर, ये वाला फाइल है, सेव करेंगे, देखते हैं ये प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पे ये ग्रीन आ गया, इसको कंटिन्यू, ओके, सेव सक्सेसफुली, ये भी आपका ग्रीन हो चुका है यहाँ पे, अभी मेरा प्रॉपर कंटिन्यू। कितने दिन के लिए बीड रखना है, कम से कम आपको 10 दिन रखना ही पड़ेगा, ओके। बीड को, इस बीड के बारे में यहाँ के डिटेल जानना है तो ऑलरेडी हमारे वीडियोस है, आप वहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे, यहाँ पे मैं इसलिए डिटेल्स बताया हूँ, और साथ में हम इसके ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको पूरा डिटेल जानना है बायर और सेलर का तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे हम जिम का बायर और सेलर का पूरा सिलेबस के बारे में बताते हैं। वीडियो के एंड में मैं पूरे सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा, यहाँ पे सिलेबस का डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या हमारे कोर्स में कंटेंट में रहेगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका डिटेल्स पूरा मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन डालना है उसको सबमिट, ओके। हम स्पीड को पब्लिश करते हैं, वेरीफाई ओटीपी एंड पब्लिश, ओटीपी डालेंगे, यहां से मेरा पब्लिश हो जाएगा। जैसे ओटीपी डालेंगे ये पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश होने के बाद ये टेंडर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से आप जीएम पे बीओक्यू बिल्ड को बना सकते हैं। तो हमारे सिलेबस के कंटेंट्स बायर और सेलर के पूरे पार्ट रहेंगे, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आपको कुछ भी डाउट्स रहा तो आप वहां पे कॉन्टेक्ट करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं।